वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास थर्ड फोर्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी में निबंध लिखना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक यानी जो निबंध है वो कंप्यूटर पर है। कंप्यूटर, तो सबसे पहले कंप्यूटर का अर्थ जानते हैं। कंप्यूटर का मतलब तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, गणना करने वाला संगणक, यानी जो कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन को सॉल्व करके देता है, वो क्या है? वो कंप्यूटर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, प्रोनाउंसिएशन पर आप लोग ध्यान देंगे प्लस लिखे गए वर्ड पर। इसका आविष्कार गणना की सामान्य समस्याओं से जूझने के लिए हुआ था। आगे क्या बोला है कि जो इसका आविष्कार है स्टूडेंट्स, वो बेसिक कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हुआ था। याद रखेंगे आप लोग, सामान्य समस्या यानी जो बेसिक सी प्रॉब्लम से उनको सॉल्व करने के लिए हुआ था। धीरे धीरे इसे ऐसे जटिल कार्यों के लिए बनाया जाने लगा जो मनुष्य सरलता से नहीं कर पाता। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ गई, टफ हो गई, जटिल कार्य, तो इस कंप्यूटर को जटिल कार्यों में भी अब लगा दिया गया जिसको मनुष्य भी इजीली तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहा था। वो काम किसने कर दिखाया है? वो काम कंप्यूटर ने कर दिखाया है। आगे पढ़ते हैं। आज तो ये हमारे जीवन का अनिवार्य बन गया है। अनिवार्य में ज़रूरी, आज क्या है हमारी लाइफ में जो कंप्यूटर है वो एक अनिवार्य बन गया है, यानी इसका होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टूडेंट्स, कार्यालय यानी ऑफिस में क्या होता है, सारे काम कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। अब देखते हैं वो कौन से काम है जो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। जैसे वेतन हो गया, वैजिस हो गई, आय हो गई, इनकम भेजनी है किसी को, फी का लेखा हो गया यानी हमने कितना खर्च किया है उसके कैलकुलेशन करना, फाइलों का रिकॉर्ड रखना, बजट पेश या बजट बनाना, भंडार सूची बनाना, तो ये सब काम कौन करता है स्टूडेंट्स? इसलिए तरीके से ये सब काम कंप्यूटर करता है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर काम से हट कर के स्टूडेंट्स घरेलू जीवन का भी अंग बनता जा रहा है। लोग इसे घर पे भी इस्तेमाल करते हैं एज अ फन, यानी ये लोगों का मनोरंजन का साधन भी है। लोग इसे मनोरंजन करते हैं, गेम्स खेलते हैं। आगे पढ़ते हैं। इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन, मनोरंजन आदि अनेक क्षेत्र में काम आ रहा है। तो कंप्यूटर के कितने सारे यूजेज हैं स्टूडेंट्स, एरियाज हैं जो क्षेत्रों में काम आते हैं। जैसे इंटरनेट हो गया, ईमेल, टेलीफोन, मनोरंजन, ये सब क्या है आदि क्षेत्रों में, इन सब क्षेत्रों में कंप्यूटर काम आ रहा है। मनोरंजन करना है कंप्यूटर के द्वारा हम कर सकते हैं, हमें पढ़ना है तो हम कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। वे दिन दूर नहीं जब कंप्यूटर के बिना मनुष्य का जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो बोला गया है वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हम लोग कंप्यूटर के बिना एक मनुष्य का जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को छोटा सा निबंध समझ में आया होगा जो स्पेशली क्लास फोर्थ फिफ्थ के स्टूडेंट्स के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के निबंध समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।